जीएसटी और नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अब किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लेने लगे हैं। यशवंत सिन्हा ने महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अकोला में धरना ही दे डाला और सरकार को किसान विरोधी बताया, लेकिन जैसे ही वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे वैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा महाराष्ट्र के अकोला में कपास और सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों के हित के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सिन्हा ने जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर किसानों के प्रति सरकार की बेरुखी पर आवाज उठाई। यशवंत सिन्हा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विदर्भ के किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए मजबूरन आज सड़क पर उतरना पड़ा है। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी किसानों के लिए अपने वादे भूल चुकी है। जैसे फौजी बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ठीक वैसे ही किसानों को भी सरकार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। यशवंत सिन्हा ने जैसे ही सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की वैसे ही पुलिस वहां पहुंच गई और यशवंत सिन्हा समेत करीब 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद सीनियर पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उन्हें कुछ ही देर बाद छोड़ा जा रहा था, लेकिन वह नहीं गए। पुलिस के मुताबिक सिन्हा फर्जी कपास की कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जबकि सरकार पहले ही ऐसी 6 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। एक और पुलिस इस प्रदर्शन को बेवजह बता रही है तो यशवंत सिन्हा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम मुख्यालय के ग्राउंड में 5 घंटे से बैठा कर रखे गए। ठिठुरती ठंड से हम परेशान थे, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी और ठंड में ही बैठाए रखा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।